हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा नागर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। आज मैं बना रही हूँ हेयर केयर रूटीन की वीडियो, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पर कि दी आप अपने बालों में क्या लगाते हो, आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, प्लीज़ दी बताइए। तो मैंने सोचा कि आप सब लोग के लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ, ताकि आपको आपके सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाए और आप सभी को पता चल जाए कि मैं अपने बालों में पर्सनली क्या यूज़ करती हूँ। जो मैं अपने बालों में पर्सनली यूज़ करती हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं अदरवाइज़ और कुछ नहीं बताऊँगी। कभी मैं आपसे बोल दूँ कुछ और चीज़ लगाने के लिए और आप लगा लें, फिर उससे आपके बालों को नुकसान होगा, फिर आप बोलेंगे कि मैंने अच्छा नहीं बताया। इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने हेयर वॉश करा था, तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या यूज़ नहीं करती, क्या चीज़ आपके बालों के लिए अच्छी और क्या आपके बालों के लिए बेकार है। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलता है कि सभी लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, कम है, लंबे नहीं है, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल से समझाऊँगी। तो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने हेयर वॉश करने से पहले अपने बालों में किस चीज़ से मालिश की। तो चलिए देखिए। तो आज दोस्तों मैं अपना हेयर वॉश करूँगी, आप लोग देख लूँगे मैंने बाल खोल रखे हैं। तो हेयर वॉश करने से पहले मैं अपने बालों में करती हूँ ऑयल की मसाज। हर हफ्ते अलग अलग तरीके से करती हूँ, इस हफ्ते जिस तरीके से कर रही हूँ मैं अब वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एलोवेरा जेल लूँगी और उसके बाद लूँगी कोकोनट ऑयल। मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है कई दिनों से, तो प्लीज़ एडजस्ट करना आवाज़ के साथ। तो फिर लूँगी मैं कोकोनट ऑयल और दोनों को एक साथ मिला के उससे मैं अपने हेयर में मसाज करूँगी। कम से कम एक घंटे तक अपने हेयर को ऐसे ही रहने दूँगी, एक घंटे बाद वॉश करूँगी। तो अभी आप देखिए मेरे बाल कैसे हैं और हेयर वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे बाल कितने सिल्की और सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखिए, वैसे तो आप मार्केट से एलोवेरा जेल मिलता है वो भी ला सकते हैं, बट हमने हमारे घर पे पेड़ ही है एलोवेरा का, तो मैंने वहाँ से इसकी लीव्स तोड़कर मंगा ली हैं। तो अब मैं इसको कट करूँगी, उसके बाद कटोरी में डालूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मसाज करती हूँ। तो सबसे पहले आप इसके जो ये कांटे से होते हैं ना दोनों तरफ, इनको चाकू से काट लें। तो देखिए मैंने जो इसके दोनों तरफ जो कांटे से थे वो निकाल लिए हैं और एक साइड से, मतलब कि आगे से इसका ये वाला ऊपर का जो हार्ड भाग होता है ना वो कट कर लिया है जिसके अंदर से, और हम इसको ऐसे करके चाकू से लेके इसको ऐसे ऐसे। देखिए मैंने इसमें ये कोकोनट ऑयल डाला है और ये एलोवेरा डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इससे अपने हेयर में मसाज करेंगे। एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिक्स किया था ना वो आप अपने ऐसे हाथों के अगले, मतलब उंगलियों पे पोरों पे लेके आप कभी भी बालों को ऐसे ना रगड़े, क्योंकि ऐसे रगड़ने से बाल हार्श हो सकते हैं। तो आप ऐसे पोरों से लेके ऐसे धीरे धीरे अपने बालों में मसाज करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे लेंगे और ऐसे। अगर हम इस तरह अपने बालों में मसाज करेंगे ऑयल से, तो हमारे बालों की जो जड़ है ना उन तक ऑयल, जड़ों में ऑयल जाएगा अच्छी तरीके से, तो फिर अच्छा रहेगा बालों के लिए। अगर आप ऐसे ऐसे करके करोगे तो बालों को उससे नुकसान होगा और ऑयल भी ठीक तरह से नहीं लगेगा। ऐसे आप धीरे धीरे
ऐसे करेगा अपने बालों में मसाज, और जो एलोवेरा है ना उसे लगाने से हमारे बाल स्ट्रेट भी होते हैं। तो आप हेयर वॉश करने के बाद देखना कि आपके बालों में कितना अच्छा वो साइन आएगी। ऐसे आप धीरे धीरे करके अपने पूरे बालों में इससे अच्छी तरीके से मसाज कर लेना। अभी आप देखना मेरे हेयर वॉश करने से पहले हेयर कैसे हो रहे हैं, और हेयर वॉश करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे हेयर कितने सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। जो बालों के ये नीचे की ये होते हैं सबसे ज़्यादा रूखे रूखे से हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे धीरे धीरे ऐसा मालिश करने के बाद चाहे तो आप ऐसे ही खुले रख सकते हैं अपने बालों के, या चुटिया गूंथ भी सकते हैं। अगर जिनके बाल लंबे हैं वो जूड़ा भी बना सकते हैं, तो मेरे बाल तो लंबे इसलिए मैं तो जूड़ा ही बनाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने सर में मालिश कर ली है। अब मैं अपने बालों को पूरे एक घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है। दोस्तों एक घंटा होने के बाद मैंने अपना हेयर वॉश कर लिए हैं। देखिए मेरे हेयर कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। वैसे एलोवेरा लगाने से बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। मैं हेयर ड्रायर से सुखाती नहीं हूँ अपने बालों को, मैं ज़्यादातर नेचुरली सुखाती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद कि मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन आई है। ठीक है, देखिए मैं यूज़ करती हूँ इंदुले का हेयर ऑयल। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैं शुरू से ही इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसको कैसे लगाते हैं। ऐसे करना है धीरे धीरे ऐसे, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे लगा लीजिए। और ये अपने हेयर वॉश करने के बाद लगाना है, हफ्ते में कम से कम 2-3 हाथों के अगले वाले पोरों से ऐसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था धीरे धीरे ऐसे मालिश कर लीजिए इसकी। मेरे पूरे बालों पर ऑयल लग गया है। अब देखिए मेरे बाल हेयर वॉश करने के बाद कितने सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ। मैं अपने बालों को हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, और मालिश भी 2 बार ही करती हूँ। और मैं लगाती हूँ इंदुलेखा तेल और इंदुलेखा शैम्पू। अभी शैम्पू नीचे रह गया, मैं आ गई हूँ छत पर, तो मैं शैम्पू का आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगी। फिलहाल तेल देख लीजिए, ये है इंदुलेखा तेल।
इसे लगाने से, मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 5 या 6 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते करते। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। इसे लगाने से मेरे बाल झड़ते नहीं है, मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं है और मेरे बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी कि आप एक बार इंदुले का ऑयल और इंदुले का शैम्पू यूज़ करके देखें, फिर उसका रिज़ल्ट धीरे धीरे आपको दिखने लग जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की सुंदर और ग्रोथ भी काफ़ी करते हैं। अपने बालों में हेयर वॉश करने से एक दिन पहले, मतलब कि जैसे आपको अगले दिन धोना है तो उससे एक दिन पहले रात में अपने बालों में इंदुले का तेल की अच्छे से मसाज कर कर सो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हेयर वॉश करने से 1-2 घंटा पहले भी इसकी मसाज कर सकते हैं अपने बालों में, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको टाइम है तो आप पूरी रात मालिश करके अपने हेयर को छोड़ दीजिए, सुबह तक आपके जो बालों की जड़ें हैं उसमें अच्छी तरह से ऑयल चला जाएगा तो वो अच्छा रहता है। मुझे अगर टाइम होता है तो मैं लगा लेती हूँ रात में, वरना तो मैं हेयर वॉश करने से 1 या 2 घंटे पहले इसकी मालिश करती हूँ। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। पर्सनली मैं इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे इससे कोई वो नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे आप एक बार यूज़ कर ज़रूर देखना, आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जिनके बालों में हेयर फॉल ज़्यादा है, जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, जगह जगह से हल्के हल्के से हो गए हैं, तो उनके लिए मैं फर्स्ट टिप आपको बताऊंगी कि एक कटोरी घी लीजिएगा, उसे कढ़ाई में डालकर अच्छे से गर्म कीजिएगा, फिर उसमें डालिएगा करी पत्ता। करी पत्ता का एक पेड़ होता है, देख लीजिएगा आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, करी पत्ता का पेड़ होता है, उससे 4-5 लीव्स तोड़ लीजिए, उसमें डाल दीजिए, और कलौंजी आती है बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएगी कलौंजी, उसको भी उसमें डाल दीजिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उनको उसको थोड़ा कम ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आप अपने उसमें हाथों में ऐसे धीरे से लेकर ऐसे, मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे ही नहीं मालिश करनी है, इसमें आपको अपने पोरवों पे, मतलब हाथ के जो उंगलियां हैं इन पे ऑयल लेना और ऐसे 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 धीरे धीरे उसकी मसाज करनी है अपने हेयर वॉश करने से 1 घंटे पहले। तो आप हेयर वॉश करने से 1 घंटे पहले इसकी मसाज कर लेना, उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लेना, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखना, इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी बेटर होता है। और सेकंड टिप मैं आपको बताऊंगी, जो लोग घी लगाना पसंद नहीं करते तो मैं उनको बताऊंगी, जो कोकोनट ऑयल आता है ना, कोकोनट ऑयल में गुड़हल के फूल की पत्तियाँ, थोड़ी सी मेथी के दाने और करी पत्ता और कलौंजी, ये चारों चीज़ डालकर उसे भी अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा करके एक डिब्बे में भर लीजिए, और कम से कम 1 वीक में 2 या 3 बार अपने हेयर में इसकी मालिश कीजिए। इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी बेटर आता है, इससे जो हेयर फॉल होता है वो कम होता है, बालों की ग्रोथ में भी काफ़ी फ़ायदा होता है और वो आपके बाल भी नहीं झड़ते। थर्ड टिप मैं आपको बताऊँगी, दही, दही दही बहुत ही ज़रूरी है। दही या तो आप खा लीजिए, खाने में भी इंक्लूड करेंगे दही को तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपके बालों की हेयर ग्रोथ में, और उससे बाल काले भी होते हैं। या फिर आप एक काम करिएगा, अपने हेयर वॉश करने से पहले थोड़ी सी दही लीजिएगा, उसमें नींबू डालिएगा, और जिस भी ऑयल से आप, जो भी ऑयल आप अपने सिर में यूज़ करते हैं वो ऑयल लीजिएगा, उसमें तीनों चीज़ें मिक्स करके उसके उससे अपने हेयर में मालिश कीजिएगा, उससे भी काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलता है हेयर ग्रोथ के लिए। और सबसे बेटर है आंवला, आंवला आपको बाज़ार में कहीं पर भी मिल जाएगा, आप बल्कि मैं तो ये कहूँगी आंवले को आप अपने खाने में भी लीजिए, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आंवले लगाने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा काले होते हैं और झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, तो या तो आप उसको सब्ज़ी में, जब सब्ज़ी बनाए उसमें सब्ज़ी में डाल दीजिए, उससे सब्ज़ी का भी टेस्ट चेंज हो जाएगा और आपको भी अपने बालों के लिए फ़ायदा मिल जाएगा। तो आंवले को आप सब्ज़ी में भी खा सकते हैं, मतलब आंवले को खाना है कैसी, मुरब्बा खा लीजिए या कैंडी खा लीजिए या ऐसी मतलब कच्चा आंवला जो होता है उसको ऐसे ही खा लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, वरना मतलब आपको आंवला खाना है चाहे आप जैसे भी आपका मन करे आप वैसे खा लीजिए, आंवले को आप अपने खाने में इंक्लूड ज़रूर करना और दही को भी इंक्लूड ज़रूर करना, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है बालों की हेयर ग्रोथ में और बाल बहुत ज़्यादा इससे घने होते हैं। तो बाल झड़ने के सबसे मेन कारण होते हैं, एक तो स्ट्रेस, जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की वजह से बालों की झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि उससे हमारे बालों की जो जड़ें हैं
वो कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी तो बाल तो झड़ेंगे ही। और फिर है प्रेगनेंसी, जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं प्रेग्नेंसी के बाद काफ़ी लोगों को शिकायत हो जाती है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होता है, तो ये शिकायतें काफ़ी सुनने में आती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी हेल्दी डाइट लें, क्योंकि अगर आपका खाना अच्छा होगा तो आपके हेयर पे भी बहुत असर, काफ़ी हद तक असर पड़ेगा इस चीज़ का। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, पॉल्यूशन से बचें। अगर आप कहीं धूल धाल वाले इलाके में रहते हैं या फिर आपको कहीं बाहर जाना, जैसे ज़्यादातर महिलाएं मार्केट जाती हैं, बाहर का काम बहुतों को मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बाहर आना जाना ज़्यादा होता है, तो ऐसे बाहर जैसे आप जाओगे तो पॉल्यूशन होता है, धूल मिट्टी जो होती है वो बालों में लग जाती है, उसकी वजह से बालों में डैंड्रफ हो जाता है, बालों में चिपचिपाहट सी होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो मैं आपको प्रिफेयर करूँगी कि आप धूल मिट्टी से थोड़ा बचें। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप अपना सर ढक लें, अपने सर पर कोई दुपट्टा वगैरह जो भी आपको ढकना है वो ढक कर जाए, और घर पे आकर अपना हेयर वॉश अच्छे से करें। मैं आपको बताना चाहूँगी आप अपने बालों में इस तरह की कंघी का यूज़ करें, क्योंकि इसके जो मोटे दाँते हैं ना, इनसे बाल स्मूथली ऐसे देखे ऐसे कट जाएंगे और इलझेंगे भी नहीं। अगर बाल इलझेंगे नहीं तो बाल टूटेंगे भी नहीं। और हाँ, अगर जिस दिन आप अपना सर वॉश करते हैं उसके बाद आप गीले बालों में कंघी कभी भी ना करें, बाल सूखने के बाद ही आप गीले अपने बालों में कंघी करें, क्योंकि अगर हम गीले बालों में कंघी करेंगे और उन्हें काढ़ेंगे तो वो इलझेंगे, अगर वो इलझेंगे तो वो टूटेंगे ज़रूर। तो मैं तो कभी भी अपने गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ, बाल सूखने के बाद ही कंघी करती हूँ। तो मैं आपको भी यही बताना चाहूँगी कि आप भी जब आपके बाल सूख जाए उसके बाद ही कंघी करें अपने बालों में, जैसे कि मैं करती हूँ। और मैं इतने ही मोटे कंघी से अपने बालों को काटती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे बालों की हेयर ग्रोथ कितनी अच्छी। देखिए मैं अपने आपको अपने बाल दिखाती हूँ कि मेरे हेयर वॉश होने के बाद बाल कितने सिल्की और सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए एलोवेरा लगाने, जो एलोवेरा जेल, एलोवेरा और ऑयल की मालिश की थी ना, कोकोनट ऑयल की, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है बालों के लिए, बाल बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। देखिए मेरे बाल, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। देखिए आप लोग भी एलोवेरा या तो आप मार्केट से ला सकते हैं, जेल मिल जाएगा आपको, अगर आपके घर में पेड़ हो तो वो और भी अच्छी बात है। जिन लोगों को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और डैंड्रफ भी बहुत है, मैं उन लोगों को बताऊंगी, एक तो ऑनियन हेयर ऑयल आपको बाज़ार में कहीं पर भी मिल जाएगा, अगर आप लाना चाहें तो वो लगा लीजिए, पर मैं तो घर पर ही निकाल लेती हूँ। एक प्याज लीजिएगा, घर पर सबके नॉर्मली प्याज सबके ही घरों में मिल जाती है, प्याज लीजिएगा, उसे मिक्सी के जार में बारीक बारीक काट कर डाल दीजिएगा, फिर उसे मिक्सर जार में घुमा लीजिएगा, और उसे चाय छन्नी होती है जिसमें हम चाय छानते हैं उसमें डालकर उससे चम्मच से उसका रस निकाल लीजिएगा, और जो रस निकले उससे अपने बालों में मालिश कीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, जड़ों में ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर करके उससे आप मालिश करोगे तो उससे आपका हेयर फॉल और डैंड्रफ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑनियन हेयर ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और फ़ायदेमंद होता है। ये उन लोगों के लिए जिनके बाल, अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो डैंड्रफ इतना होगा, हर किसी की शिकायत रहेगी कि डैंड्रफ हो गया बालों में, डैंड्रफ हो गया हेयर फॉल, और अगर बालों में डैंड्रफ होता है तो हेयर फॉल तो होना है ही। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि ऑनियन हेयर ऑयल लगा लीजिए, या तो आप मार्केट से ले आइए, अगर आप मार्केट से लाना नहीं पसंद करते तो आप घर पर ही बना लीजिए, मेरी तरह जैसे मैं बना लेती हूँ, मैं तो घर पे बनाकर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये और भी बहुत काफ़ी टिप्स हैं, अगर आपको और कुछ जानना है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, या यूट्यूब पर आप कमेंट कर मुझसे पूछ लीजिए, अगर मेरे बालों के बारे में मुझसे कुछ जानना है या मेरे बारे में आपको कुछ जानना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी तरफ से सब लोगों को फ़ायदा हो, जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, घने नहीं हैं, टूटते हैं, लंबे नहीं हो पा रहे हैं, ग्रोथ छोटी रह गई है, उन लोगों को मेरी वीडियो देखकर फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। आप इसलिए बोल रही हूँ, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए जो भी आप पूछोगे मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी हेयर के रिगार्डिंग। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।